homes. हम सब जानते हैं श्रेष्ठ तपस्या वही कर सकते हैं जिनका मन एकाग्र हो, एकांत और एकाग्रता हम योगयुक्त आत्माओं की ड्यूटी है। हम इस पर अवश्य ध्यान दें क्योंकि एकांत में ही सुंदर विचारों का उदय होता है। एकाग्रता का अर्थ है हम अपनी बुद्धि को मन को जहाँ चाहे जब चाहे और जितना समय के लिए चाहे लगा सके। इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है। कईयों ने अपने मन को बचपन से ही भटकाया है, कईयों का मन हजारों साल से भटकता रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस तीव्र गति से दौड़ते हुए मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। साइंस ने बहुत कुछ कर लिया है लेकिन मन को कंट्रोल करने की शक्ति उसमें नहीं है। ये शक्ति होती है योगियों में, उनमें जिनको भगवान ने ज्ञान दिया है, उनमें जिनके अंदर पवित्रता बहुत अच्छी होती है और उनमें भी जिनका चित्त सभी के लिए निर्मल प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा हुआ है। ये एकाग्रता की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। इसी को साइलेंस पावर भी कहते हैं क्योंकि इससे आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है, मन साइलेंट हो जाता है। जिसके पास ये एकाग्रता की शक्ति होगी उन्हें संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होगी। यदि वो चलती ट्रेन को भी कहेंगे स्टॉप हो जाओ तो वो स्टॉप हो जाएगी। यदि हवा तीव्र गति से चल रही हो और वो ऑर्डर करेंगे हे पवन शांत गति से बहो तो कुछ ही क्षणों में हवा की गति भी धीमी हो जाएगी। यदि बहुत गर्मी पड़ रही है और वो संकल्प करेंगे प्रकृति अब मौसम को जल्दी ही सुहावना कर दो तो कुछ ही समय में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। ये एकाग्रता की बहुत बड़ी शक्ति है। इससे आत्मा प्रकृति की मालिक बन जाती है। परंतु एकाग्रता सबसे नहीं होती हम जानते हैं, लेकिन जिनको ये श्रेष्ठ इच्छा है कि हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाएं, तो ध्यान दें बुद्धि तीसरा नेत्र है। इसमें यदि जरा भी गंदगी होगी तो बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकेगी। मन संकल्प शक्ति है। मन में यदि व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह चलता होगा तो मन भटकता रहेगा। यदि इधर उधर देखने की इच्छा होगी, यदि गंदी फिल्में देखेंगे, यदि टीवी पे सारा दिन लगाएंगे, यदि सारा दिन मोबाइल में लगे रहेंगे, यदि और व्यर्थ के गप सप सारा दिन चलते रहेंगे, फिर कोई कहे मेरा मन तो एकाग्र होता नहीं तो जान ले कभी नहीं होगा। जो अंतर्मुखी हैं, जो सर्वस्व त्यागी हैं, जिन्होंने व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जिन्होंने वासनाओं को समाप्त कर दिया है, वही एकाग्र चित्त हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ इसके लिए लंबे अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। बार बार अभ्यास करने से भी चित्त एकाग्र होने लगता है और सब कुछ सहज हो जाता है। तो आज से अपने अंदर इस शक्ति को भरने का संकल्प कर लें। इसके लिए जहाँ और चीजों की आवश्यकता है वहीं ज्ञान का बल भी परम आवश्यक है। ज्ञान की सुंदर सुंदर पॉइंट्स हमारी बुद्धि में रमण करती रहें तो बाकी सभी संकल्प शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये जो संकल्प है ये हमारे मन की, हमारी बुद्धि की खुराक है, श्रेष्ठ संकल्प। यदि वो खुराक हम इसे नहीं खिलाते तो मन भटकने लगता है, प्यासा हो जाता है, भूखा रह जाता है। तो आज सारा दिन हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और बाबा से अच्छी अनुभूति करने के लिए एक छोटी सी ड्रिल करेंगे। 5 सेकंड से शुरू करेंगे,
5 सेकंड अपने आत्मिक स्वरूप को देखना और संकल्प करना, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं। फिर 5 सेकंड शिव बाबा को परम धाम में देखना, वो ज्ञान के सागर हैं। फिर 5 सेकंड आत्मा को, फिर 5 सेकंड बाबा को, फिर इस क्रम को 10-10 सेकंड करेंगे। 10 सेकंड आत्मा को, एक एक संकल्प रखेंगे आत्मा के बारे में, और फिर 10 सेकंड बाबा को, फिर उसके लिए भी एक संकल्प रखेंगे, जैसे वो पवित्रता के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, या प्यार के सागर हैं। ये ड्रिल बार बार करेंगे। 1 घंटे में यदि 3-3 बार ऐसा अभ्यास कर लिया जाए तो शाम तक चित्त एकाग्र होकर मंडीप साइलेंस में रमन कर